तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अगर आप अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल गए हैं तो क्या करें, कैसे उसे ओपन करें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह से मान लीजिए आपका ईमेल आईडी जो आप चाहते हैं, जिसका पासवर्ड भूल गए हैं, तो यहाँ पे आपको प्लस का जो निशान दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। इसके बाद गूगल, इसके बाद यहाँ ये पूछ रहा है कंफर्म योर पासवर्ड, यानी कि जो आपने मोबाइल में अपना जो भी पासवर्ड डाल रखा है ये मांग रहा है, तो यहाँ पे हम दे देते हैं। इसके बाद ये कुछ इस तरह से ओपन होगा, थोड़ा नेटवर्क स्लो चला। यहाँ पे देखिए हमें ईमेल आईडी को इंटर करना है, तो यहाँ पे हम ईमेल आईडी को इंटर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, तो हम पासवर्ड भूल गए हैं तो ये फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये पूछ रहा है चेक योर फोन, मतलब आपका जो फोन का मॉडल नंबर है वो कौन सा है। जैसे ये पहले दूसरा मोबाइल में ये चल रहा था ईमेल आईडी, तो अभी रेडमी 7 में यस के लिए यहाँ पे पूछ रहा है नोटिफिकेशन टू कंटिन्यू। तो यहाँ पे हम अब यहाँ नीचे में देखिए यहाँ पे लिख रहा है रिसेंड इट, तो इस पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद यहां पे यस कर देंगे। अब देखिए यहां पे बोल रहा है पासवर्ड क्रिएट करने, तो यहां पे जो भी पासवर्ड आप नया डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, तो पासवर्ड यहां पे डाल देते हैं। तो यहां पे हमने पासवर्ड डाल दिया है नया, और यहां पे आपको कंफर्म कर देना है फिर से वही पासवर्ड जो आपने ऊपर में डाला है, तो हमने कंफर्म में भी डाल दिया है। और ये इस तरह का पासवर्ड आप डालें जो आप इसको हमेशा याद रख पाए। और यहाँ पे शो बोल रहा है पासवर्ड शो करने के लिए, तो ये शो करने का फायदा ये है कि शो करके आप मिला लें दोनों सेम है या कुछ डिफरेंस है, तो ये सेम है। ये आप कंफर्म होने के बाद यहाँ पे लिखना है सेव पासवर्ड, यहाँ पे जो लिख रहा है इस पे हम क्लिक कर लेंगे। अब यहां पे देखिए क्या लिख रहा है क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, क्रिएट ए न्यू स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दैट यू डोंट आस्क फॉर अदर वेबसाइट, जो आपने कहीं नहीं किसी वेबसाइट पे नहीं किया है वो आपको यहाँ पे क्रिएट करने बोल रहा है। और हमने जो डाला था अभी वहां पे वो हमने वही पासवर्ड डाल दिया है जो हमने कई ईमेल आईडी में यूज कर रखा है, तो यहाँ पे न्यू क्रिएट करने बोल रहा है। तो यहाँ पे कुछ अलग हट के आपको करना है, लेकिन इस तरह का डालना है जो आपको हमेशा याद रहे, तो हम डाल देते हैं फिर से। तो हमने अलग टाइप्स का मतलब दूसरा पासवर्ड नया क्रिएट करके डाल दिया है। अब यहां पर फिर से सेव पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए हमारा ये ओपन हो गया है इसमें, अब यहां पर एग्री कर देना है। तो ये देखिए ये ओपन हो रहा है, और यहां पे देखिए
ये वाला आ चुका है हमारा ओपन होकर, यही हमने यहां पे डालना था। तो अगर आप पासवर्ड भूल जाएं तो इस तरह से आप इस वीडियो को देखकर बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी तरीका से आप अपना ईमेल आईडी को ओपन कर सकते हैं एक से दूसरे मोबाइल में भी, किसी भी मोबाइल में। मान लीजिए आपका पुराना मोबाइल खो गया और आप नया मोबाइल में अपना ईमेल आईडी को ओपन करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं बहुत ही इजी, बहुत ही आसानी से। और इसका देखिए हमें एक मैसेज भी आ गया गूगल की तरफ से, देखिए इस तरह का मैसेज। और यहां पे देखिए जैसे ही हमने इसे ओपन किया इस मोबाइल में, तो इस ईमेल आईडी पे गूगल की तरफ से एक मैसेज आ गया। देखिए यहां पे लिख रहा है, और इस पे आप कंफर्म कर सकते हैं। तो चलिए हमारा जो है ईमेल आईडी ओपन हो गया इसमें, दूसरा हैंडसेट में। पहले दूसरा में था, पहले M3 ऐसा कुछ मॉडल था जो पुराना हैंडसेट था, अब ये Redmi Y3 है। तो इसमें हमारा पुराना ईमेल आईडी पासवर्ड नहीं जानने के बाद भी ओपन हो गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।